इश्क आजादी बहारे जिस का सामान है, इश्क मेरी जान है, आजादी मेरा ईमान है। इश्क में कर दूं फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी, लेकिन आजादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान। दम देते हैं बाज नहीं दम मिलते, बाज जोरा दे पार नहीं तो हिजन। बिना खुशी दे हसया नहीं जाता, रोने गमा दे बाज नहीं रोए जाते। बिना दर्द ना सीने भी छेक पैदा, बाज छेक नहीं मोती परोए जाते। शरफ दाग गुलामी दे देश उतों कौमी गैरत दे बाजो नहीं तो हिजन। गैरत है बड़ी चीज जहाने तक दो में, तैनाती है दरवेश को ताजे सरे धारा। लेकिन हमारा जो राजा साहब ने आपको इशारा दिया कि सदर गया हुआ है, तो अब मैं उसी हवाले से, गैरत है बड़ी चीज जहाने तक दो में, तैनाती है दरवेश को ताजे सरे धारा। एक वो वक्त था आ गया ऐन लड़ाई में, अगर वक्त नमाज मुसलमान के अतरा वो मुसलमान कुम्भ जो कह सकते थे रुखसत हुए, खान खाउन में मुजावर रह गए या गोरखन, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आ गया अहम लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रहो के जमीन बोस हुई कौम में हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद हो या ना, कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा और साहेब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक। लेकिन उस अजमत को हमने अजमत रफ्ता बस, अब आलम यह है कि वही अजीम इंसान जिसने एक शेर करके ना अपने आकबत संवार ली, की मोहम्मद से वफा तूने, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, मिटा दिया मेरे साकी ने आलम मन को तू मिला के मुझको मैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अब वो कहते हैं कि तुमने अपने अजमत रफ्ता को भूल गए, तुम्हें कहाँ और मुसलमानियत कहाँ और गुरबतनी कहाँ, तुम आज क्या हो, उसकी तकदीर में महकूमी और मजलूमी। मैं बहुत बड़े खतीब के सामने अल्लामा इकबाल का कलाम पेश कर रहा हूँ, उसकी तकदीर में महकूमी और मजलूमी है। कौम जो कर न सकी अपनी खुदी से इंसाफ, फितरत अफराद से अजमात कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ। समझेंगे क्या वो नादा आईन सरवरी को, नक्स तलक जो आदाब बंदगी में, मिल्लत एजाज की है मशरूफ है फिर पाबंदी, नादा लुट रहे हैं सूरज की रोशनी, नादा लुट रहे हैं सूरज की रोशनी में। मनफत एक है इस साथ, मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, एक ही सब का नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी हो। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, बताओ तो सही कि मुसलमान भी हो। वही अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए, निशाने राह दिखाते थे जो सितारों, ये था अरूज हमारा, निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए किसी मीरे कारवां के लिए, तरस गए किसी मीरे कारवां के लिए। यही आईने कुदरत है, यही असलूब फितरत है, जो है राह अमल में गामजन महबूब फितरत, यही मकसूद फितरत है, यही रमज मुसलमानी, अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, मोहब्बत के शरफ से दिल सरापा नूर होता है, जरा से बीज से पैदा रियाज़े नूर होता है। मोहब्बत ही से पाई है शफा बीमार कौमों ने, किया है वक्त पुख्ता को बेदार कौमों ने। मुझे एक सिर्फ चीज याद आ गई है, रमजान शरीफ बरकतों का महीना, बस चंद रोज, लेकिन हमारी इख्तलाफात का ये आलम है कि मीटिंग हो रही है, किसी फैसले पर नहीं पहुंच रहे हो। रमजान शरीफ साहब पे आ गया, अब इसकी तफसील में जाए बगैर मैं कहूंगा, चांद को हाथ लगा आए हैं अहल हिम्मत, चांद को हाथ लगा आए हैं अहल हिम्मत, उनको ये दुन है कि अब जानबे मरीख बड़े, एक हम हैं
दिखाई न दिया चांद हमें, हम इसी सोच में ईद पढ़े या ना पढ़े। हजरात ग्रामी, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, अब मैं इस अंजुमन जो मेरे दोस्त भी हैं साथी भी हैं, इन्होंने 30 साल पहले जब हम सब के बाल बिल्कुल काले थे और आज 30 साल बाद हम सब सफेद बाल वाले हो गए, लेकिन इन्होंने इस मिशन को मिशन समझ के आज तक जारी रखा हुआ है। हजरात ग्रामी, ये कोई आसान काम नहीं, ये जनाब सूफिया यूं साहब इनके साथ ही जानते कि इसकी प्रिपरेशन किस तरह की जाती है, आप बाप का साथ कितना। और मैं एक अर्थ करना चाहता हूं कि मैं कितना खूबसूरत बोलने वाला हूं, जनाब तैयब हजारवी साहब कितने खूबसूरत बोलने वाले हों, अगर आप यहां मौजूद ना हो तो हम कुर्सियों पर खिलाएंगे। आपकी भी उतनी अहमियत है जितनी हम बोलने वालों की है, जब सामेईन न होंगे तो हम किसको बताएंगे। अब जनाब सिर्फ मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह और गाजी कलंदर उनकी खिदमत में बस मैं आज करूँ, ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है जौके खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और सर, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी है मचरा, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशना। इसी को मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ने कहा, एक कुट पर के पिता वहदत दे मद लालों, इल्म कलाम न याद रे उन्हें ते गुजरे काल मकालों, जारी कर कर सजन दे चलियों तामुल परत दलासा देसी ते जानी संगत रले कंडे सत गुलाबा वाले 9772 इशारे, 150 सदी पहले शाहुल मुल्क लिखा गया, लेकिन हमारी स्टडी का ये आलम है कि अभी तक 150 शेर बाहर भी हैं। मैंने कोशिश की है कि नया नया कलाम, आप वक्त कम है, कंडे सख्त गुलाबा वाले दूरों वेख न डरी, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खूब कर ले, सैफ अंदाजे बयान बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं।